ଅନ୍ତର କଥା ତମେ ଟିକେ ଜଣା ଜାଣ अगर बाबा सबके अंतर की बात जान लेवे 507 करोड़ मनुष्य है दुनिया में और सबके अंतर की बात जान लेवे तो बाबा को साकार में आने की दरकार है, है? फिर बातचीत करने की दरकार है फिर तो ऊपर बैठे बैठे ही सब कुछ जान लेवे जान के क्या करेंगे एक एक के दिल को जानने से तो कुछ होगा नहीं पुरुषार्थ करेंगे तो प्राप्ति होगी पुरुषार्थ का रास्ता बताते हैं बाप और इतनी जोर से तो बोलो जो उसमें टेप रिकॉर्डर में भर जाए उसमें ज्यादा पावर आती है उसमें ज्यादा पावर सूक्ष्म शरीर में पावर ज्यादा होती है स्थूल शरीर के मुकाबले एक सूक्ष्म होता है एटम बम जिससे एटम बम बनता है एटम बहुत सूक्ष्म होता है तो ज्यादा ताकतवर हो जाता है जो जितना स्थूल बुद्धि होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा या सूक्ष्म बुद्धि होगा ज्यादा पावरफुल होगा एक होती है सूक्ष्म बुद्धि और एक होती है स्थूल बुद्धि तो मोटी बुद्धि अच्छी या महीन बुद्धि अच्छी कहते महीन बुद्धि अच्छी क्यों क्योंकि महीन जो चीज होती है वो ज्यादा गहराई में जा सकती है जितना मोटा होगा उतना कम अकल माना जाता है ऐसे ही एटम की गति है एटम जितना सूक्ष्म होता है ज्यादा पावरफुल हो जाता है ऐसे ही मनुष्य आत्मा है जब स्थूल शरीर में बंधी हुई है तो उनमें ताकत कम होती है और इस स्थूल शरीर के बंधन से छूट जाती है आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो ज्यादा पावरफुल हो जाती है जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती है जहाँ चाहे एक सेकंड में आना जाना कर सकती है क्योंकि स्थूल का बंधन नहीं रह गया आत्मिक स्टेज बढ़ती है सूक्ष्मता की ओर जाने से लेकिन सूक्ष्म शरीर भी संपन्न नहीं है सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा है अति सूक्ष्म है कारण शरीर इसे कहते हैं बिंदु आत्मा सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी परे बन जाती है और जो आत्मा बनना सीख जाता है वो कोई में भी प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमा करके फिर वापस अपने शरीर में प्रवेश कर सकता है वो ज्यादा पावरफुल हो गया और राम को क्यों जोड़ दिया शिव के साथ राम को नहीं जोड़ा गया शिव के साथ शंकर को जोड़ा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ ऐसे नहीं कहा जाता शिव राम भोलेनाथ शिव शंकर को इसलिए जोड़ा गया कि शंकर में शिव आकर के प्रवेश करते हैं मुकरर रूप से वो शंकर ही देवताओं में महादेव गाया जाता है देवताओं में देवात्माओं में बड़े से बड़ा देवता बनने का पुरुषार्थ करने वाला
शंकर कहा जाता है और शंकर कोई एक आत्मा का नाम नहीं है। शंकर का अर्थ ही है मिक्स, ऐसा मिक्सरिटी का पार्ट, ऐसा साकार पार्ट जो साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज का भी पार्ट बजाता है, साकार होते हुए भी आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज का भी पार्ट बजाता है और साकारी पार्ट भी बजाता है। तीन तरह की आत्माएं कार्य करती हैं एक ही शरीर में, एक निराकार शिव, दूसरा आकारी ब्रह्मा, दादा लेखराज की सोल, और तीसरा उस साकार मनुष्य तन, जिस तन में प्रवेश करके नरको नारायण बनना होता है। इसलिए शिव शंकर का गायन है मिला करके एक करने का, शिव राम का गायन नहीं है, शिव कृष्ण का गायन नहीं है, शिव ब्रह्मा का गायन नहीं है, शिव विष्णु का गायन नहीं है, शिव जगदम्बा का गायन नहीं है, शिव लक्ष्मी का गायन नहीं है, शिव के साथ और कोई भी 3300 देवताओं में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि एक ही पार्टधारी है जिसमें शिव प्रवेश मुखर रूप से प्रवेश करता है और वो शंकर फिर बैल पर सवार दिखाया जाता है। बैल जानवरियत की निशानी है, मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वाले की निशानी है। जो मनन चिंतन मंथन कर सकता है, सोच विचार कर सकता है, उसी को मनुष्य कहा जाता है। भगवान आकर के जानवरों को सुधारेगा, जानवरों को पढ़ाएगा या मनुष्यों को पढ़ाएगा? मनुष्यों को ही आकर पढ़ाता है, मनुष्य ही सुधर सकते हैं, मनुष्य ही मनन चिंतन मंथन कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। गधे को 10 दंडे मार दो वो पश्चाताप नहीं करता है, मनुष्य पश्चाताप करता है। इसलिए मननात् मनुष्य कहा जाता है। इसलिए बोला कि मैं मनुष्य तन में आता हूँ, जानवर में नहीं आता हूँ। आता हूँ का मतलब प्रत्यक्ष होना। भगवान बाप आते हैं मनुष्य तन में प्रत्यक्ष होते हैं। ब्रह्मा के तन को मनुष्य तन कहे, शिव के मंदिर में जो बैल निशानी दिखाई गई है वो किसकी यादगार है? ब्रह्मा के तन में प्रवेश तो किया लेकिन प्रत्यक्ष संसार में नहीं हुआ कि भगवान बाप आया। तो जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो सारा संसार गॉड फादर नहीं मान सकता। जब सारा संसार उसे गॉड फादर माने, जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि के आत्माएं इस संसार में अपना पार्ट बजा रही है वो भी उसको अपना बाप माने, तब कहेंगे गॉड फादर इस संसार में आया। और गॉड फादर को तो सारी दुनिया मानती है, सब याद करते हैं। जरूर गॉड फादर से कोई प्राप्ति हुई है प्रैक्टिकल में,
परंतु वो मनुष्य तन में आकर के प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा के तन में आया परंतु भक्ति मार्ग में गायन बैल के रूप में चलता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के तन में आने के बावजूद भी ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली उस वाणी के गुही अर्थ को न ब्रह्मा ने समझा और न ब्राह्मणों ने समझा। ब्रह्मा के मुकाबले तो मम्मा ज्यादा मनन चिंतन मंथन करती थी। एक एक पॉइंट की गहराई में कितने विस्तार में जाती थी। तो ब्रह्मा का तन तो सिर्फ वाणी चलाने के निमित्त बना, उसे कहेंगे सुनना और सुनाना। मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ। मनन चिंतन मंथन न होने के कारण ये क्लियर किया गया मुरली में कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, अमृत मंथन करने से निकलता है। जैसे दूध को जब तक भिलोया न जाए, दही को जब तक मथा न जाए, तब तक मक्खन नहीं निकलता, सार नहीं निकलता। ऐसे ही ज्ञान सागर बाप की वाणी का जब तक मंथन नहीं किया जाए, तब तक ज्ञान अमृत तैयार नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा के मुख से जो भी वाणी निकली उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञानामृत गीता ज्ञानामृत तब कहा जाता है जब ज्ञान सागर बाप उस वाणी के एक एक हिज्जे को विस्तार में करके समझाता है, टीचर बन करके आता है, बाप के रूप में बच्चों को सुख और शांति का अखंड वर्षा देकर जाता है। और नीचे रखो, नीचे क्यों रखा? और पहाड़ों पर मंदिर बनाते हैं ऊंचाई पर, नीचे थोड़े रहते हैं। मंदिर में तो शंकर का मूर्ति ऊपर था और शिव का लिंग नीचे गड्ढे में रखते हैं। अच्छा, गड्ढा कहा जाता है स्त्री की योनि को, अर्थात शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की दूसरी दूसरी कर्मेंद्रियां भी पूजी जाती हैं। देवताओं के नेत्रों को कहते हैं कमल नेत्र, मुख को कहते हैं मुख कमल, हाथों को कहते हैं हस्त कमल, पांव को कहते हैं कमल पाद, कमल से रचना देते हैं। लेकिन भगवान शिव का सिर्फ लिंग ही दिखाया जाता है, क्योंकि जो भी विकार है और विकारों को भोगने वाली जो भी इंद्रियां हैं, उन विकारों में सबसे पावरफुल विकार कौन सा है? काम विकार। और काम विकार से कनेक्टेड जो इंद्रिय है वो भी बहुत मुश्किल से जीती जाने योग्य है, और उसको जीतने का काम इस संसार में सबसे पहले शंकर ने किया। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। लेकिन जंगल में जाकर के नहीं जीता, घर गृहस्थ में रह करके जीता है। इसलिए बोला कि तुम सात पार्वतियां हो और शिव शंकर भोलेनाथ एक ही है, वो एक ही पांच संसार में ऐसा है
जो सदैव प्रवृत्ति में रहता है, मंदिर में भी उसकी प्रवृत्ति दिखाई जाती है, भक्त लोग उसको माता पिता के रूप में मानते हैं, माता के रूप में वो गड्ढा दिखाया गया है और पिता के रूप में वो लिंग दिखाया गया है, क्योंकि स्त्री और पुरुष की पहचान सिवाय उन दो इंद्रियों के और हो नहीं सकती। स्त्री चोले में भी वो इंद्रियां होती हैं, पुरुष चोले में भी वो इंद्रियां होती हैं, सिर्फ एक ही इंद्रिय का फर्क होता है। उस फर्क के आधार पर वो चित्र बनाया है चित्रकारों ने, जिसमें ये दिखाया है कि प्रवृत्ति मार्ग में रह करके 100% निवृत्ति की यादगार सिर्फ एक शिव शंकर की है और कोई की नहीं है, और देवताएं 100% उस एवर प्योरिटी की स्टेज को नहीं प्राप्त कर सकते। एक शिव बाप ही है जो प्रैक्टिकल जीवन में संसार में आकर के गड्ढे की दुनिया में आकर के पतित तन में आकर के पतित दुनिया में आकर के और पतितों के संग में आकर के फिर भी बुद्धि से पवित्र पावन स्टेज में रहता है, ऊंची स्टेज में रहता है। इसलिए शंकर को सदैव कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं, ये ऊंची स्टेज की निशानी है। मंदिर भी ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, ये ऊंची स्टेज की निशानी है। और ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा का बीच में अंतर क्या है? ब्रह्मा अनेकों के नाम है और प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का नाम है। ब्रह्मा के 5 मुख 4 मुख दिखाए जाते हैं, इससे साबित होता है ब्रह्मा अनेक है और प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक ही होता है साकार में। और जब तक इस सृष्टि पर प्रजा है तब तक प्रजापिता इस सृष्टि पर मौजूद रहता है। प्रजापिता सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता है, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म, और मनुष्य आत्मा इतनी सूक्ष्म स्टेज नहीं धारण कर सकती जितनी प्रजापिता सूक्ष्म स्टेज धारण करता है। ये सूक्ष्म स्टेज धारण करने के कारण ही जो सूक्ष्म आते सूक्ष्म शिव बाप है, वो शिव बाप उसमें प्रवेश करता है। जितनी सूक्ष्म बुद्धि वाली आत्मा होगी उतनी जास्ती ज्ञान के विस्तार में जाएगी, जितनी स्थूल बुद्धि होगी उतने ज्ञान के विस्तार में जाने में सक्षम नहीं होगी। तो ब्रह्मा में और प्रजापिता ब्रह्मा में तो वास्त अंतर है। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मा ने बड़ी माँ, माने माँ, माने बड़ी माँ। माँ सदैव होती है साकार, साकार बुद्धि वाली। देह का होना माताओं को बहुत रहता है, भक्ति मार्ग में भी देखा जाता है कि नागे लोग बड़े आराम से नंगे रह लेते हैं, लेकिन स्त्रियां नंगी नहीं रह सकती क्योंकि देह का भान होता है। माता का रूप देह भान वाला रूप है और बाप बीज होता है, सूक्ष्म होता है। इसलिए बोला है अहम बीज पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। धरणी तो विस्तार वाली होती है, विस्तार वाली धरणी में ही सूक्ष्म बीज का आरोपण होता है।
तो ब्रह्मा में और पिता में या जगत पिता में वास्ट डिफरेंस है। और ब्रह्मा के वस्त्रधारी दिखाया, शंकर के वस्त्रधारी। वस्त्र कहा जाता है देह रूपी वस्त्र को, जैसे आत्मा है सिर्फ बिंदु है तो नंगी है, और बिंदु आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है तो वस्त्र वाली कही जाती है। इसलिए ब्रह्मा का जैसा नाम है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ, माने माँ माने जगत की बड़ी माँ, जैसे मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता पुरुष तन होने के कारण, इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाया गया। तो ब्रह्मा नाम से ही साबित होता है कि बड़ी माँ का पाठ था, परंतु जो बड़ी माँ का पाठ था वो गुणों के आधार पर था। जो सहन शक्ति माता के अंदर होनी चाहिए वो सहन शक्ति ब्रह्मा के अंदर थी। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जिसने ब्रह्मा का साथ लिया प्रैक्टिकल जीवन में, वो आज तक ये कहता हुआ नहीं सुना गया कि ब्रह्मा बाबा ने हमको कभी दुख दिया। सदैव हर बच्चे के मुख से यही निकलता रहा कि बाबा ने हमको जितना सुख दिया उतना दुनिया में और किसी ने सुख नहीं दिया। बल 10 सेकंड के लिए कोई संसर्ग में आया है तो भी उसने ये अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा ने हमको बहुत सुख दिया। और दूसरों को जो सुख देता है वो जरूर सहन शक्ति वाला होता है। माँ बच्चों को जितना सुख देती है उतना और कोई संबंध सुखदायी नहीं हो सकता। वो तो दुख सहन करती है और बच्चे को सुख देती है, लेकिन वो तो सारी जगत की माँ का पार्ट था। उससे ज्यादा सहन शक्ति और दुनिया में किसी पार्टधारी में हो ही नहीं सकती। इसलिए ब्रह्मा का जो पार्ट है वो पार्ट तो सही शक्ति के आधार पर बहुत अद्भुत पार्ट था। बाबा हमको हिंदी आ सुन, हमको बुद्धन मत दो, हाथरे मत दो, ये बंधन रु मुक्त कर दो। हमारा दुर्बल तो ज्ञान को मान ना हम हिंदी हो के तक बाबा आके सबको बंधन मुक्त कर दे, या बाबा सिर्फ रास्ता बताए और प्रैक्टिस करो और बंधन मुक्त हो जाओ। बाबा ने तो प्रैक्टिस बता दी अपन को, ज्योति बिंदु आत्मा समझो, स्टार आत्मा समझो। अब स्टार आत्मा तो समझना थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है, बिंदी लगाना सहज होता है, सो बड़ी आराम से लगा लेते। तो बिंदी लगाने की बात नहीं है, अपनी आत्मा को इच्छा समझो, देह से अलग, तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ जी, अपन को जो भगवान करके भेज जाते हैं, बाबा ने बोला कि वो नौ का कोई इसकी मूर्ति भी होगी है, नौ का अपना अपना अच्छी मूर्ति बनाते हैं, मतलब नौ की सत्ताईस नक्षत्र का गायन जो होती है। हाँ जी, उसमें नौ तो भी और नौ दिल बीच और नौ आधार मूर्त भी। हाँ जी, उसमें जो बीच नौ है उसमें नौ ग्रहों में से ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, तो नौ ग्रहों में नक्षत्र तो एक ही है, बाकी तो सब ग्रह की स्टेज वाले हैं। सब जानते हैं
कि नक्षत्र स्वयं दैदीप्यमान होता है, प्रकाशमान होता है, और जो ग्रह होते हैं वो प्रकाशमान स्वयं नहीं होते हैं। बाकी अहंकार में आ जाए कि हमें ही भगवान है, हमें ही सूर्य है, हमें ही रोशनी देने वाले हैं, ये बात तो एक अलग बात है ना। ऐसे ये नवग्रह है जो अहंकार में आकर के अपने को भगवान समझने लग पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में जब विनाश होता है तो सात की पोल पट्टी खुल जाती है। नौ ग्रह आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद एक ही बचता है, सूर्य और बृहस्पति। जो बृहस्पति की दशा है इसलिए सबसे श्रेष्ठ दशा मानी जाती है, क्योंकि वो सच्चाई के आधार पर टिकता है। वो अपन को भगवान नहीं मानता, वो अपन को शिव नहीं कहता, शिव अलग है और पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग है। शिव तो ऐसे है जैसे ज्ञान सूर्य, और आत्माओं में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा है बृहस्पति, जिसे वृक्षपति कहा जाता है। ये सारी मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का पति है, पिता है, बीज है, परंतु स्वयं प्रकाशित नहीं है। स्वयं प्रकाशित सिर्फ एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, और कोई स्वयं प्रकाशित नहीं है। और बच्ची में ब्रह्मा बच्चा प्रवेश कर लेता है तो दोनों आपका बच्चा और बच्ची हो जाता है, तो उनका जो प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट बच्चा बुद्धि का ही होता है। हाँ जी, तो जगदम्बा माँ को कुछ प्लानिंग वगैरह न करके सिर्फ शिव बाबा के डायरेक्टर पर बिल्कुल करता है क्या? अब चाहिए चाहिए तो सब कुछ, लेकिन एक होता है डब्बा और एक होती है उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा। ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रवेश करने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है। तो जगदम्बा तो है जैसे कि एक डब्बा, और डब्बे में प्रवेश करने वाली आत्मा है ब्रह्मा दादा लेखराज, जो कृष्ण के रूप में सत्युग में जन्म लेगी। तो जो आत्मा है उसकी महिमा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सहनशीलता का पाठ जगदम्बा ने नहीं बजा के दिखाया, नाम तो धारण हुआ शरीर के आधार पर, क्योंकि शरीर का ही नाम जगदम्बा पड़ता है, आत्मा का नाम नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तव में काम आत्मा ने किया या डब्बे ने किया? माता का पाठ किसने बजाया? सहन शक्ति का पाठ किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया। और नौ ग्रह का टकराव होगा ना, विनाश को पाएंगे ना? जो पावरफुल होगा तो बचेगा, या जिसके ऊपर ऊंचे से ऊंचे बाप शिव की छत्र छाया होगी वो बचेगा, और जितने भी होते हैं वो थोसा चना बाजेगा ना। जो आधी भरी हुई जल की गगरी होती है वो बहुत छलकती है, और भरी हुई गगरी होती है तो कम छलकती है। ऐसे ही जो बृहस्पति है वो अपने को भगवान कभी नहीं कहता, और जो ग्रह हैं जिनमें भगवान मुकर्र रूप से प्रवेश करता ही नहीं वो अपन को भगवान कह के बैठते। तो सच्चाई एक न एक दिन सर के ऊपर चढ़ करके बोलेगी या नहीं बोलेगी? बोलती है, सच्चाई प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए जब नौ ग्रहों में टकराव होता है तो सिर्फ बृहस्पति ही बचता है, और बाकी सब ग्रह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा
क्या बोल रहे हैं? पति की बात पत्नियां माने कि पत्नियों की बात पति बैठ करके मानेंगे है? जो भी हाँ बोलो हाँ जी तो उनकी गुण विशेषता उनके गुण और विशेषता क्या? गुण पृथ्वी का गुण नहीं मालूम है, हवा का गुण नहीं मालूम है, अग्नि का गुण नहीं मालूम है, हैं? अरे ये तो सब जानते हैं अग्नि जलाए देती है, हैं? नहीं मालूम है? फिर यहाँ भी है सूक्ष्म में जलाना किसको कहा जाता है? रावण को राम ने जलाया तो क्या तीली डाल के जलाया है? तो उसको ज्ञान बाण मार करके उसके जी को जलाया, दिल जलता है ऐसे थोड़े ही कोई स्कूल रावण है तो उसका पुतला जलता है। और अंत में टकराकर स्त्री के सकता तो उत्तर गंगा के स्कूल में जो ग्रह है बृहस्पति पत्र का संभव नष्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो भी नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाती है, कोई भी ग्रह नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता है, लेकिन अपने अस्तित्व को दूसरों के अस्तित्व में त्रोहित कर देता है, मर्ज हो जाता है। जैसे कि सात नारायण सतयुग में होंगे या नहीं होंगे, हैं? होंगे। और वही सात नारायण द्वापर युग में जाकर के उनमें धर्म पिताएं प्रवेश करेंगे और अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे, तो वो धर्म पिताएं जो साकार रूप में द्वापर युग में थे कलयुग में थे वो सतयुग में होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को मर्ज कर देते हैं। ऐसे ही वो अपने स्वरूप को मर्ज कर देंगे, अपने अस्तित्व को मर्ज कर देंगे, माने अपनी अपनी कोई बात उनकी चलेगी नहीं, अपनी खुदी को खत्म कर देंगे। और बलभद्र राम को कहते हैं, बलराम को ही बलभद्र कहा जाता है, ये नहीं मालूम अभी तक है? ये राम और कृष्ण की जोड़ी है जो रामायण में भी राम और लक्ष्मण के रूप में दिखाई गई है और महाभारत में भी बलराम और कृष्ण के रूप में दिखाई गई है। और मार्ग से हरे कृष्ण हरे राम बोलने से गीता दूर होगा, हरे राम। हाँ जी हाँ जी बोलने से दुख किसका दूर हुआ? किसी का दूर नहीं हुआ, मुख से बोलने से कई दुख दूर हो सकते हैं, बोलने से नहीं दुख दूर होते हैं। राम और कृष्ण ने क्या ऐश किया
और वो एक्ट जो करने वाला और कराने वाला करण करावन हार कौन कार्य करा रहा है, उसको जान करके, उसको मान करके, उसको याद करने से दुख दूर होते। हरे राम हरे कृष्ण तो कितने सालों से, वर्षों से, सैकड़ों साल से बोलते चले आए, किसी के दुख दूर हुए क्या? हो ही नहीं सकते। बोल बोल करने से थोड़े ही दुख दूर हो जाते हैं। राम और कृष्ण में वो एक्ट किसने कराई? एक्ट कराने वाला करने वाला कौन था? उसको पहचानने से और पहचान कर उसे याद करने से दुख दूर होते हैं। और नई दुनिया में पूछते भी नहीं। हाँ बाबा ने उनका राज बताया कि जो आदमी में स्वर्गीय नई संगठन बनी थी, अभी कोई राम वाली आत्मा को याद किए थे क्या? नहीं किए थे। तो बाबा अभी अंत में जो संगठन बनती है उसमें तो वो स्वयं राम वाली आत्मा ही सब बना। ये नया संगठन जो अभी कहा जा रहा है, तुम ब्राह्मण बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, ये नई दुनिया का फाउंडेशन है, नई दुनिया नहीं है। कोई मकान बनता है तो उसका पहले फाउंडेशन डाला जाता है, जो फाउंडेशन है वो कोई नई दुनिया नहीं हो गई, लेकिन नई दुनिया का फाउंडेशन, फाउंडेशन हमेशा जमीन में गहराई में खोद करके डाला जाता है। तो फाउंडेशन अलग बात है, नई दुनिया का फाउंडेशन तो लग गया लेकिन नई दुनिया नहीं बन गई। नई दुनिया तब कही जाएगी जब विजयमाला की है दादा भी। जो भी संगठन नई दुनिया के संगठन फाउंडेशन था तैयार बर्फ का कंप्लीट बन के खड़ा हो जाएगा, तो वो बनाने वाला तो स्वयं रामवाला ही होता है ना, बेटकोर के रूप में। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में, सन सोल्स फादर, फादर सोल्स सन। तो ज्यादा पावरफुल दोनों के बीच में कौन है, फादर या सन? फादर ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बच्चों को संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगा, खुद प्रत्यक्ष नहीं होगा। छुपा रुस्तम बाद में खुले, लास्ट में जाकर के बाप की प्रत्यक्षता होगी। वो यही मतलब है कि जब सारे संसार में राज करेगा खालसा, जब देवियों का राज्य चलेगा, उस समय राम बाप गुप्त हो जाएगा। इसलिए संसार में आज भी जब देवियों की पूजा करते हैं तो जय माता दी, जय माता दी नारा तो लगाते हैं, लेकिन ये किसी को याद नहीं रहता है न माता जी के पीछे कोई पिताजी भी बैठा हुआ है। तो बाप गुप्त होकर के देखेगा और शक्तियों का शासन ऐसे ही चलेगा जैसे बेसिक में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद शक्तियों का शासन चला था। वो तो बहुत छोटा रूप था और अभी तो संसार के बीच में बहुत बड़ा विशाल रूप आने वाला है। और पांच तत्व माने साकार पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पांच तत्व जो शरीर के पांच तत्व माने जाते हैं। शरीर जो है वैसे देहभान का सूचक है, देहभान अर्थात माता, दूसरे शब्दों में उसका नाम दे दो मंदोदरी। मंदोदरी के कितने रूप हो गए, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये मंद उदर वाले हैं। उदर माने पेट, माने इनका बुद्धि रूपी पेट
मंद है, तीव्र बुद्धि वाली नहीं है। इनके मुकाबले जो रावण के पांच सिर हैं, वो ज्यादा तीव्र बुद्धि है। जिनको कहते हैं पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच विकार हैं पुरुष के अंदर, पुरुष का रूप। और जो पांच तत्व हैं वो स्त्री का रूप। ये दस मिलकर के रावण के सिर बनते हैं। जो पुरुष रूप है वो बाप के रूप है। बीज रूप है, बीज कहा जाता है पिता को, और मंदोदरी वो हो गई माता के रूप में। राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। इस हिसाब से रावण का रूप हो गए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और कृष्ण जो माता का रूप में पाठ बजाता है, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाता है, जगदम्बा के रूप में पाठ बजाता है, वो हो गई माता का रूप। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये रावण के दस रूप बनते हैं। ये दस रूप कलयुग के अंत की यादगार है या सतयुग के आदि की यादगार है? कलयुग अंत की यादगार है। सतयुग आदि में इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जगदम्बा से सब मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, तो ज्यादा अच्छी कौन सी लगती है? जगदम्बा ज्यादा अच्छी लगती है या लक्ष्मी ज्यादा अच्छी लगती है? अरे जगदम्बा सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है और लक्ष्मी सिर्फ धन देने की पूर्ति करने वाली है, तो कौन सी अच्छी हुई? जगदम्बा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। लेकिन लक्ष्मी जो देती है वो कहाँ से लाके देती है? लक्ष्मी विधवा है या सदवा है? सदवा है तो कहाँ से देती है? नारायण से लेती है फिर देती है। और नारायण कहाँ से लेता है? जो बाप से लेता है। तो लक्ष्मी सिर्फ बाप की दी हुई चीज देती है क्या? और उसका समझना और कहना है बाकी जो कुछ मेरे पास है वो सब कचर पत्ती है, वो मैं तुमको नहीं दूंगी। तो जगदम्बा अच्छी या लक्ष्मी अच्छी? तुम्हें जगदम्बा अच्छी लगती? अरे सब मनोकामनाओं की पूर्ति जो करेगा, सब मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, उनमें एक ही मनोकामना श्रेष्ठ है, ज्ञान की प्राप्त, भगवान मिल जाए। क्या मिल जाए? भगवान मिल जाए। भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब की पूर्ति हो जाए और भगवान न मिले तो फायदा क्या हुआ? इसलिए बोला है कि मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। जगदम्बा लंबे समय तक भगवान का साथ निभाती है, रहती है, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाती, इसलिए महाकाली का पाठ बजाती है, दूर हो जाती है। और लक्ष्मी लंबे समय तक भगवान के साथ नहीं रहती है, सिर्फ अंत में जाकर के मेल होता है थोड़े समय का, और भगवान को पहचान लेती है। तो ज्यादा प्राप्ति किसको हुई? जगदम्बा लंबे समय तक मिलन मेला मनाती है भगवान के साथ प्रैक्टिकल साकार रूप में, तो उसकी यादगार तो बनती है,
जगदम्बा का बहुत बड़ा मेला लगता है, इस बात की यादगार। बहुत लंबे समय तक मिलन मेला मनाया है तो उसकी यादगार बनी हुई है जगदम्बा का मेला। इतना बड़ा मेला और कोई भी देवी देवता का नहीं लगता, परंतु कौन सी प्राप्ति से वंचित हो गई? भगवान को पहचानने की प्राप्ति से वंचित हो गई। द्रौपदी जो है वो अग्नि की पैदाइश है। काम अग्नि की पैदाइश है या योग अग्नि की पैदाइश है? कंपिल में, कंपिल गांव में एक बड़ा कुंड बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में भक्तों ने, और बताते हैं कि इस कुंड में स्वाहा स्वाहा हुआ। राजा द्रुपद और उनकी पत्नी ने स्वाहा किया और उसमें से द्रौपदी का जन्म हुआ। अब ऐसे होता है क्या? कहाँ की यादगार है, है? इस संगम युग की योग अग्नि की यादगार है। तो योग अग्नि का हवन कुंड बनाया गया और उस योग अग्नि ज्ञान अग्नि में से ध्रुव पद पाने वाली का जन्म हुआ। दुनिया कहती है कि नैया डूबी की डूबी, और बाप कहते हैं ये सत्य की नैया है, ये हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो कौन सी नैया है, हैं? वो शरीर रूपी नैया कौन सी है जिसके लिए सारी दुनिया कहती है हिलेगी डुलेगी खलास हो जाएगी, और बाप कहते हैं ये नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। वो कौन सी शरीर रूपी नैया है, हैं? नहीं, सागर में जो नैया दिखाई जाती है पीपल के पत्ते के रूप में। पीपल का पत्ता कितना हल्का फुल्का होता है, और तो हल्की फुल्की नैया के ऊपर कृष्ण बच्चा बिछैया है। तो कौन सा कृष्ण है, सतयुग का या संगम युग का? संगम युग कृष्ण बिछैया है, शिव बाप खिवैया है, और पत्ते पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया है। कौन सी नवैया है? उस हल्की फुल्की नवैया को शास्त्रों में गोवर्धन पर्वत उठाने की यादगार दिखा दी है। कौन सी अंगुली? कनिष्ठिका, माने सबसे छोटी अंगुली। क्यों? नहीं, जो 108 की रुद्रमाला है उस रुद्रमाला का आखिरी मणका कौन है, सबसे छोटा मणका? और पहला मणका कौन है? जगत पिता है पहला मणका, और आखिरी मणका है जगदम्बा, सबसे छोटी उंगली। उस छोटी उंगली के ऊपर 16108 का बड़ा पहाड़ उठाया जाने वाला है। सारी ब्राह्मणों की दुनिया की पालना होने वाली है, जिसकी यादगार सिखों में मनाई जाती है राज करेगा काल का। वो नैया हिल रही है डोल रही है लेकिन डूब नहीं सकती। वो द्रौपदी का यादगार है, वो अग्नि से पैदा होती है, पांच पति उसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकते। वो कीचड़ में कमल समान पार्ट बजाने वाली है। जैसे कमल कहाँ होता है, कीचड़ में होता है, और कीचड़ में से बाहर निकालो तो क्या दिखाई देगा, है? कीचड़ दिखाई देगा? नहीं, एक बूंद भी कीचड़ की नहीं रहती।
तो ये मन बुद्धि का खेल है, ये माँ का पार्ट है। माँ जैसे 10 बच्चों की माँ होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, 16 साल की माँ बच्चा पैदा कर देती है, 50 साल की माँ हो गई 10 बच्चे पैदा कर दिए, उनमें पहला बच्चा मान लो कपूत निकला और माँ के साथ अभद्रता करता है, तो माँ उसको बच्चे के रूप में देखती है या खसम के रूप में देखती है, है? माँ की दृष्टि क्या रहती है? मेरा बच्चा है। बच्चे की दृष्टि भूलती नहीं है। तो ऐसे ही ये जगदम्बा का पार्ट है, सारे जगत की आत्माएं उसमें, इस्लाम धर्म की आत्माएं भी है जिनकी माँ है, क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं भी है, नास्तिक धर्म की आत्माएं भी है, मुसलमान धर्म की आत्माएं भी है, जिन्होंने हिंदुस्तान की कन्याओं माताओं को सरेआम बाजार नंगा किया, लूटा और बेइज्जती की, उन सब की माँ है। वो माँ बच्चों के संसर्ग में, संबंध में, संपर्क में आती है तो क्या उसकी भावना ये हो जाती है कि ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरे पति हैं? पति की भावना हो सकती है क्या माँ की? नहीं हो सकती। तो ये बुद्धि की कमाल की बात है, बुद्धि उपराम रहती है, योग का नाम ही है बुद्धि योग, इसलिए कही जाती है जगदम्बा। वो भारत माता और वो जगत माता एक ही कैसे होगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, ये तो नहीं कहा जगत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है? वो जिसे जगदम्बा कहा गया है वो प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर जगदम्बा कही गई। दो पार्ट है माताओं के, एक वैष्णवी के रूप में और एक ब्रह्मा के रूप में। जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट है वो नीची स्टेज का पार्ट है, और जो वैष्णवी का पार्ट है वो उसके कहीं ऊंची स्टेज का पार्ट है। वो भारत माता है जिसके लिए बोला है एक रानी मक्खी निकलेगी उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जागेगा, इतनी प्योरिटी की पावर होती है। तो जगत माता में प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी या देवताओं की अम्मा में प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी? देवताओं की माँ का नाम शास्त्र में पड़ा है अदिति, और दैत्यों की अम्मा का नाम पड़ा है दिति। दिति माने जो शरीर से खंडित हो गई, दिति माना उनसे पैदा हुए दैत्य, और अदिति माना जो प्रैक्टिकेबल कल जीवन में कभी भी व्यभिचारी नहीं बनी, वो है अदिति। वो भारत माता और वो जगत माता, इसलिए दो माताएं हो गई, एक जगदम्बा उससे सब मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। वो विधर्मी होते हैं जो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं या स्वधर्मी होते हैं? तो विधर्मी आत्माएं। और संस्कृति पूर्ति करते हैं उनको रुद्रगण कहा जाता है, संस्कृति आसपास जो भी देवी देवता बैठते हैं रुद्रगण कहा जाता है। पार्वती नहीं रहती है? फिर पार्वती को छोड़ के। अच्छा, हाँ। तब वो क्या रुद्र बाप के बच्चे पार्वती तो चंद्रवंश से आती है, सूर्यवंश से थोड़ी आती है। पहले पहले जो सूर्यवंशी मणके हैं वो सब रुद्रमाला के मणके हैं, शिव के बच्चे हैं।
जो रुद्र माला के मणके हैं वो सब शिव के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनमें चंद्रवंशी कोई भी नहीं है। और जो पार्वती आती है, राधा आती है, वो कहाँ से आती है? चंद्रवंशी से आती है। और पार्वती को तो पहले लेना पड़ेगा ना, उसके बाद संपूर्णता को प्राप्त करेगी। पहले पहले सबको तो रुद्र रूप को धारण करना पड़ेगा, फिर संपूर्ण रूप को प्राप्त करेगी ना कोई भी आत्मा। पार्वती यही रुद्र रूप धारण करती है तो वो अपने को यज्ञ में स्वाहा कर देती है देवभान को। देवभान को स्वाहा करना ये सबसे बड़ा बलिदान है। और अनुमान के आधार पर नुकसान होता है। कोई कैसेट में नहीं बोला गया कि 2000 जून को ऐसा हो जाएगा। कौन सी कैसेट में बोला है, तारीख बारे में बताएंगे?